हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंडियन पॉलिटी के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में देखो, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं मोटे मोटे, वो हम कवर करने वाले हैं। जैसे देखो, एग्जांपल की हम बात करें तो आपको पता है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके साथ ही कौन कौन से सोर्स से इंडिया के संविधान को अडॉप्ट किया गया है, वो भी हम चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी हम एक बार यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर, उनकी स्टार्टिंग है वो भी यहाँ पर आज है वो करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। हाँ, सबसे पहले देखो, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को बन के मतलब इम्प्लीमेंट है वो कर दिया गया था। और संविधान बना कब था वैसे? वैसे संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के कम्प्लीट मतलब डन हो गया था। इसके बाद में संविधान सभा ने इसको मतलब वेरीफाई या बोल सकते हो कि अनुमति दे दी थी। और बाद में जैसे कि सिटीजनशिप जैसे राइट थे, निर्वाचन इलेक्शन संबंधित राइट थे, वो तो 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे। बाकी जो चीज़ें थी संविधान को प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट है वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब देखो, एक चीज़ हम देखते हैं, जो संविधान है हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है रिटर्न और एक होता है मौखिक टाइप का, मतलब रिटर्न लिखा हुआ नहीं है। यानी कि हम बात करें तो लिखित और अलिखित दो तरह के संविधान हैं वो होते हैं। एक तो हो गया अलिखित और एक हो गया लिखित। आपको बताया कि भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? देखो, हमने डिस्कस किया था ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है, मतलब ब्रिटेन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है उनके संविधान में। बस उन्होंने जो मौखिक बोल दिया है वैसा ही वो वहाँ पे है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है रिटर्न में जैसे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है उस तरीके से। अब एक बार थोड़ा देखो, मोटा मोटा में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि लिखित संविधान और अलिखित में क्या फ़र्क है। तो इधर लिख लेते हैं हम अलिखित, एक सेकंड, इधर लिख लेते हैं हम लिखित संविधान। क्या क्या इनमें डिफरेंस है, मोटा मोटा डिफरेंस हम एक बार यहाँ पे पहचानने की कोशिश है वो करने वाले हैं। देखो, जो अलिखित संविधान होता है ना, इसमें सबसे सर्वोच्च कौन होता है? इसमें सबसे सर्वोच्च होता है वो होती है यहाँ की संसद। क्यों? क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट जो बोल देगी वही चीज़ सच है। मतलब क्योंकि देखो, कहीं लिखा हुआ तो है नहीं, तो पार्लियामेंट ने किसी बात को इंटरप्रेट कर दिया कि नहीं भी आज से सब लोग उल्लू हैं, तो मतलब वो बात उल्लू है। जबकि लिखित में क्या होगा, जो चीज़ लिखी हुई है ना वही सर्वेसर्व होगी। मतलब क्या है, यहाँ पे जुडिशरी सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वो होती है, क्योंकि जुडिशरी का काम क्या होता है, सच और जो झूठ है उसको सामने लेके आना। और जो चीज़ लिखी हुई है तो उसका रिटर्न प्रूफ है, मौखिक का तो आपको पता है कोई प्रूफ नहीं होता, तो वो उसमें तो पार्लियामेंट ने जो चीज़ बोल दी वो डन है। जबकि लिखित में क्या हो जाएगा, सबसे सर्वोच्च कौन होगी, न्यायपालिका होगी। इसीलिए आपको पता है इंडिया में सारे सबसे सर्वोच्च कौन होती है, वैसे न्यायपालिका होती है, जबकि ब्रिटेन में संसद की चलती है। क्योंकि संसद है वो वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, इसलिए संसद जैसे चाहे वैसे उसको इंटरप्रेटेड वो करती है। अब हम बात करें संशोधन की। देखो, संशोधन है वो अलिखित संविधान में अगर संशोधन करना है तो साधारण बहुमत से नॉर्मली किया जा सकता है, ठीक है। जबकि लिखित में क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी या हम बात करें विशेष बहुमत के द्वारा ही संविधान में संशोधन है वो किया जाएगा। अब हम बात करें संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि भाई सारे अपने डिसीजन है वो खुद लेगा, किसी के दबाव में कोई डिसीजन नहीं लेना। संप्रभु, जैसे कि भारत एक संप्रभु कंट्री है, इसका क्या मतलब हुआ कि भारत अपने सारे जो भी डिसीजन है, सारे फैसले ना वो अपने अकॉर्डिंग लेगा। ऐसा नहीं कि कोई कंट्री उसको बोले उस तरीके से, मतलब किसी कठपुतली नहीं है भारत। भारत की मर्जी है, जो जैसे डिसीजन उसके फेवर में वैसे वो काम करने वाला है। तो ये चीज़ होती है संप्रभु। अब देखो, अगर संविधान अलिखित है ना, तो जो संप्रभुता का मामला है ना वो किसके अंडर होगा, संसद के पास होगा, क्योंकि संसद ही सर्वेश्वर हो जाएगी इस वाले केस में। जबकि लिखित होगा तो इसमें सर्व कौन होगा, मतलब एक तरीके से आप देखिए संप्रभु कौन होगा, ऑब्वियसली संविधान होगा, क्योंकि संविधान है वो इस एक यहाँ पे हेड है ना, संविधान ने जो चीज़ लिखी हुई है उसी को आगे फॉलो किया जाएगा। इस तरीके से देखो, मेजर हमने मोटा मोटा डिफरेंस देखा। एक डिफरेंस और हम देख सकते हैं पॉलिसी या नीति के आधार पे कि भाई नीति कैसी होती है। तो देखो, जो अलिखित संविधान होता है ना, ये आपको पता है कि कोई प्रूफ तो है नहीं कहीं, तो मतलब ये कहीं ना कहीं इसकी पॉलिसी है वो अप्रासंगिक होती है, मतलब ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो पाती है, क्योंकि कोई रिटर्न प्रूफ है नहीं, सॉलिड बेस है वो नहीं तैयार है। जबकि लिखित में क्या हो जाएगा, भाई साहब साफ साफ लिखा हुआ है तो ये ज़्यादा अधिक प्रासंगिक है वो होता है। तो ये हमने जो लिखित और यहाँ पे अलिखित संविधान है इनमें मेजर डिफरेंस हमने यहाँ पे कवर है वो किया है। अब हम एक बार थोड़ा प्रियम्बल की तरफ चल लेते हैं। देखो, प्रियम्बल में एक वर्ड आता है, स्टार्टिंग क्या होती है, हम भारत के लोग। अब आप एक बार थोड़ा सा यहाँ सोचना, क्या लिखा है यहाँ पे, हम भारत के लोग, मतलब हमारे संविधान को जो पावर मिल रही है ना वो हम किससे, मतलब यानी जो जनता है यहाँ की, आम जनता है, यानी हम जो लोग हैं, हमारे से संविधान को पावर वो मिल रही है। संविधान के पावर का सोर्स कौन है,
हम जनता हैं। यही बस एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखो प्रीएम्बल की जो हर एक एक लाइन और जो वर्ड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको लाइन बाय लाइन है वो याद होना चाहिए। अब देखो प्रीएम्बल में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक आएगा वर्ड आएगा संप्रभु, एक आएगा समाजवाद, एक आएगा धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, धर्म या पंथ निरपेक्ष। इसके बाद में कहेगा जनतांत्रिक, मतलब जनता का शासन है, जनता अपने सिस्टम को रेगुलेट है वो कर रही है। इसके बाद में कहता है गणतंत्र। बेसिकली ऐसे मैंने आपको मोटे मोटे वर्ड यहाँ पे बता दिए हैं। अब देखो जो प्रियम्बल है, हम बात करें प्रस्तावना, इसके अगर हम देखें तो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ हैं इसमें प्रस्तावना में। एक तो है सोर्स, सोर्स यानी कि स्रोत, कि भाई प्रस्तावना के स्रोत कहाँ से हैं। इसके बाद में आता है कि भाई उद्देश्य क्या है इसका, मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। वो तीसरे नंबर पे आ जाता है कि इसको इम्प्लीमेंट या अंगीकृत है वो कब किया गया है। यानी ये तीन चीज़ें हैं प्रस्तावना में। सोर्स की बात करें तो देखो सबसे पहले प्रीएम्बल की स्टार्ट होटिंग है हम भारत के लोग, यानी सोर्स कौन है हम। हम का मतलब आम जनता, या आप बोल सकते हो भारत के लोग हैं वही इसके सोर्स हैं। जो संविधान को, या हम बात करें प्रीएम्बल को, जो भी पावर मिली है हमारे संविधान में, वो सारी संविधान को पावर कहाँ से मिली है, जनता से। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए यहाँ पे हम भारत के लोग के नाम से इसका उल्लेख है वो किया गया है। इसके बाद में दूसरा आता है यहाँ पे उद्देश्य। उद्देश्य की देखो अगर हम बात करें तो संविधान का मेन मोटो क्या है, देखो ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। संविधान का उद्देश्य है सभी लोगों को न्याय दिलाना। अब इकोनॉमिक तरीके से भी न्याय होना चाहिए और सोशल तरीके से भी जस्टिस वो होना चाहिए। न्याय, इसके साथ बात आती है स्वतंत्रता, इसके बाद में आती है समता, इसके बाद में आपसी बंधुत्व है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो देश अखंडता, मतलब देश को आप तोड़ नहीं सकते टुकड़ों में, ये देश अखंडता आ गई। तो ये क्या है, ये एक उद्देश्य है कि हमारा जो संविधान है वो हम सबको, मतलब भारत के जो सभी लोग हैं, इनको न्याय दिलाएगा, इनको स्वतंत्रता प्रोवाइड करवा रहा है, इनको समानता दे रहा है, इसके साथ आपसी भाई बंधुत्व को प्रमोट कर रहा है और देश को अखंड बनाने की तरफ अग्रसर है वो है। ये सारे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है यहाँ पे। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब हम बात करें अंगीकृत करने की। भारत का संविधान जैसा आपको सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को बन के इम्प्लीमेंट डन हो गया था, बट वैसे ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट था, या आप बोल सकते हो कि इम्प्लीमेंट है, वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यानी कि अंगीकृत कब किया गया था, कब भारत के संविधान को अडोप्ट किया गया था, ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडोप्ट है वो कर लिया गया था। अब बात है कहते हैं यहाँ पे संप्रभु। तो संप्रभु का मैंने आपको अर्थ बता दिया था कि भारत है अपने सारे डिसीजन खुद लेगा, किसी कंट्री के दबाव में कोई डिसीजन नहीं लेने वाला है। जिस तरीके से आज की गवर्नमेंट है वो सारे डिसीजन खुद लेती है, यानी कि भारत एक संप्रभु कंट्री है, अपने सारे फैसले अपने हितों के अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग काम यहाँ पे किया जाता है। एक वर्ड और आया यहाँ पे समाजवादी। देखो ऐसे समाजवादी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पंडित नेहरू के द्वारा लाया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि समाजवादी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा संविधान में मतलब इम्प्लीमेंट है वो किया गया था। समाजवादी का मतलब क्या है, मतलब देखो समाजवाद है ना, उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो एरिया बोल सकते हो कि वह क्षेत्र जहाँ पे उत्पादन के जो साधन हैं वो हो, या फिर वितरण का तरीका हो, या फिर आपस में चीज़ें एक्सचेंज करने का मेथड हो, उसमें सारा रेगुलेशन है वो राज्य करता हो। यानी कि उत्पादन का जिम्मेदारी भी राज्य की ही है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी भी राज्य की है, और उनको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी भी राज्य की ही है। अब राज्य वो जनता से करवा सकता है वो अलग बात है, बट जिम्मेदारी यहाँ पर किसकी है, समाजवादी का मतलब होता है सारी जो जिम्मेदारी है वो समाज की, यानी कि राज्य की होती है। राज्य, जब आपको पता है कि राज्य कोई एक आदमी तो होता नहीं है, सभी लोगों से मिलकर राज्य है, देश है वो बनता है। अब ये ध्यान आपको बताइए कि भारत है वो 100% एक समाजवाद कंट्री नहीं है, मतलब भारत 100% तरीके से सोशलिस्ट कंट्री नहीं है। कुछ गुण भारत के संविधान में, या भारत की जो आप बोल सकते हो इकोनॉमी है, इसमें समाजवाद के हैं, कुछ है वो कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवाद के भी चीज़ें अडोप्ट हैं वो किए गई हैं। तो ऐसे इस तरीके आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे देखो सोशल वेलफेयर की जो स्कीम होगी, चीज़ें होगी, वो तो समाजवाद में आ गई, क्योंकि गवर्नमेंट है वो खुद उनको रेगुलेट करती है, मॉनिटर वगैरह करती है। जबकि कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर, या बोल सकते हो कि कैपिटलिस्ट हैं, वो ही रेगुलेट करते हैं, तो वो होगी भारत की, मतलब एक तरीके से समाजवाद और पूंजीवाद का मिक्सअप फॉर्म है। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवाद के गुण भी हैं और पूंजीवादी के गुण भी इसमें शामिल हैं वो किया गया है। बस ये ध्यान रखना कि भारत 100% है वो समाजवाद कंट्री नहीं है, ना ही पूंजीवाद कंट्री है।
एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे ना, उन्होंने क्या किया था, स्वतंत्र भारत जब भारत आज़ाद हो गया था तो उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो लेके आए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा स्वतंत्र भारत की जो पहली पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो आई थी 1948 में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लाई गई थी, वो इसी श्याम जो कौन ये लाई गई थी ना, आप बोल सकते हो पहली औद्योगिक नीति या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसी के तहत हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट है वो अपनाया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और वैसे भारत की अर्थव्यवस्था में उस टाइम पर जो मॉडल अडॉप्ट किया गया था, 1956 के टाइम पे किया गया था नेहरू द्वारा, उस मॉडल का नाम था महालोबिस मॉडल, जिसके आधार पे आपको पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की भी शुरुआत है वो हुई थी। तो महालोबिस मॉडल है वो भी एक अर्थव्यवस्था का ही एक इम्पोर्टेंट पहलू है, जो कि 1956 में इम्प्लीमेंट है, लागू है, वो किया गया था। अब देखो जो नेहरू थे ना प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, आप बोल सकते हो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने 1955 में कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी, सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे नेहरू ने समाजवाद को एक्सप्लेन किया था। देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समाजवाद है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप हिस्ट्री में, इवन वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काम आता है, आपके पॉलिटी की बात करें वहाँ पे भी है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये चीज़ें काम है वो आने वाली हैं, और पॉलिटी में तो ओबियसली हम पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि समाजवाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इवन कई बार तो इसका यूज़ है वो हम ऐसे राइटिंग में भी करते हैं। तो नेहरू ने क्या बोला, नेहरू ने ये कहा कि भाई साहब समाजवाद है ना, इसके दो अर्थ हैं, कौन कौन से हैं। पहला अर्थ तो ये है कि जिन लोगों के पास अधिक इनकम है ना उनकी पॉकेट, ढंग से सुनना, जिन लोगों के पास इनकम बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, उनसे कुछ पैसे निकाल के जो लोग गरीब हैं ना उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ये तो एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट, देखो आपको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा समाजवाद का वहाँ पे बात ही की गई है कि नेशनलीकरण, नेशनलाइजेशन, या बोल सकते हो राष्ट्रीयकरण। आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ था तो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, बहुत सारी कंपनीज थी उनका भी राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था, यानी कि वो सारी प्रॉपर्टी हैं वो राष्ट्र की प्रॉपर्टी हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल आदमी की। नहीं देखो जो स्टार्टिंग में बैंक वगैरह थे ना हमारे देश में, ये प्राइवेट सेक्टर के थे, मतलब किसी प्राइवेट जो ग्रुप थे उनके द्वारा बनाए गए थे, बट बाद में गवर्नमेंट ने इनका नेशनलाइजेशन कर दिया और ख़ुद ने इनको, मतलब एक तरीके से परचेज है वो कर लिया था। अब ये दूसरा जो पिलर है वो हम देख रहे हैं, पहला तो क्या था कि जो बहुत ही अमीर लोग हैं ना वहाँ से पैसा निकाल के उनकी पॉकेट से, और जिन लोगों के पास ज़रूरत है जहाँ पे पैसा नहीं है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये तो हो गया एक समाजवाद का एक मतलब। दूसरा मतलब ये था राष्ट्रीयकरण, यानी कि जो उत्पादन प्लस वितरण पूरी तरीके से राज्य के कंट्रोल में होना चाहिए, यानी कि कोई भी चीज़ है उसका प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट तरीके से राज्य के अंडर होना चाहिए, ये बात यहाँ पे की है वो गई है। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखने कि समाजवाद का मतलब क्या है हमारे देश में, और इसी के साथ जो उत्पादन की क्षमता है ना वो राज्य भी डेवलप करेगा और बाकी जो आम जनता है वो भी, मतलब उत्पादन के साधनों को प्रमोट है वो करने वाली है। और ये हमने मोटा मोटा डिफरेंस यहाँ पे देख लिया कि समाजवाद है वो नेहरू का किस तरीके का कॉन्सेप्ट है वो था। अब हम एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ, रुको। हाँ अब अगली चीज़ आती है हमारे प्रियम्बल में, धर्म निरपेक्ष, या फिर हम बोल सकते हैं सॉरी पंथ निरपेक्ष, क्या है इसका मतलब वो हम देखते हैं। देखो धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष है ना, इसके चार अर्थ हैं, मतलब चार मीनिंग हम निकाल सकते हैं। पहले मीनिंग की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा कि राज्य है ना वो किसी भी धर्म या किसी भी पंथ है, यानी कोई भी समाज है, उसके साथ अपने आप को लिंक नहीं करेगा। पहला क्या है कि राज्य है वो किसी भी धर्म या किसी भी समाज या पंथ के साथ अपने आप को लिंक नहीं करेगा, मतलब उसको ही लेके में नहीं साथ चलने वाला। दूसरी बात यहाँ पे की गई है कि राज्य है, राज्य मतलब स्टेट यहाँ पे, कि स्टेट है ना वो लोगों की निजी लाइफ में जो उनके धर्म के विचार हैं कुछ भी है ना, उनसे कोई भी अंगुली हस्तक्षेप नहीं करने वाला। दोबारा आपको कंफर्म करता हूँ कि राज्य है वो व्यक्तियों के निजी जीवन में धार्मिक विचारों के संबंध में कोई भी दखल नहीं देगा, यानी कि यदि कोई व्यक्ति नास्तिक बन जाता है तो राज्य उससे जाके ये नहीं कह सकता भाई साहब आप भगवान में विश्वास क्यों नहीं रख रहे, अगले पर्सन की मर्जी है वो विश्वास करे या नहीं करे। तो ये चीज़ें हो गई हैं पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का एक पार्ट हो गया। अब हम बात करें यहाँ पे, जैसे कोई आदमी है वो वेद को नहीं मान रहा तो राज्य उसे जाके ऐसे नहीं कह सकता आप वेदों को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, बशर्ते बस वो वेदों का आदमी अपमान ना करे। अगर कोई किसी चीज़ को अडोप्ट नहीं कर रहा तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो उसकी मर्जी है नहीं उसको अडोप्ट कर रहा। तो इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, वो आता है ईश्वरवादी।
क्या है ईश्वरवादी का कॉन्सेप्ट? देखो, धर्म के आधार पे कोई भी सार्वजनिक प्लेस है ना, जैसे सार्वजनिक स्थल हो गया, जैसे कि आप कोई भी मतलब एग्जांपल कर सकते हो, प्राइवेट गवर्नमेंट सॉरी बस स्टॉप हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, इस तरह के कोई भी सार्वजनिक स्थल हो गया, या फिर कोई सरकारी सेवा होगी, सरकारी संस्थान होगी, वहाँ पे धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कह सकता कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, जो भी हो, आपको इसमें एडमिशन नहीं दे सकता वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो सब की है, उसमें किसी का इंडिविजुअल हक हस्तक्षेप नहीं हो सकता कि नहीं ये तो ओनली हिंदू की है, ओनली मुसलमानों की, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये होगा तीसरा धर्मनिरपेक्ष का पिलर। चौथा जो अर्थ हम बात करें वो ये हो जाता है कि जो सामाजिक बुराइयों को बताने वाली अनैतिक और जो कानून व्यवस्था है ना उसको प्रभावित करने के वाली जो भी कुरीतियाँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, यानी कि समाज में जो बुराइयाँ हैं ना, या फिर हम बात करें जो अनैतिकताएँ हैं, या फिर कोई तरह की और भी कुरीतियाँ हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कुरीतियाँ हैं, उनके ऊपर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि समाज को नुकसान पहुंचा रही हो, या फिर कोई ऐसी समाज में कुप्रथा हो, जैसे ये मान लो कि सती प्रथा का एग्जांपल ले लो, सती प्रथा क्या थी, स्त्रियों के लिए तो गलत थी, चाहे वो धर्म की बात नहीं, यहाँ पे सती प्रथा मतलब कहीं ना कहीं समाज के किसी वर्ग का शोषण हो रहा है, गलत है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसी जो कुरीति है ना, राज्य इनके अगेंस्ट कानून बना सकते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अभी रिसेंटली देखें तो वो आ जाएगा तीन तलाक का। तीन तलाक का जो मामला है वो यहीं से है कि राज्य को पता है कि हाँ भाई साहब ये कहीं ना कहीं वुमेन को हरास किया जा रहा है इस चीज़ के थ्रू, इसीलिए राज्य है इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। अदरवाइज राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बट कब कर सकता है, जब कोई चीज़ सामाजिक बुराई हो, या फिर अनैतिक हो, या फिर कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सक रही हो, तो उस कंडीशन में राज्य की मर्जी है कि वो उस चीज़ के ऊपर हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाज में उस चीज़ का गलत फायदा या गलत यूज़ है वो हो रहा है। तो ये है धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के मोटे मोटे हमने जो डिफेंस देखे हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। वैसे देखो, जो धर्म निरपेक्ष जो वर्ड है ना, वो एक्चुअली 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया था ना, इसमें इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया था कि भाई साहब धर्म निरपेक्ष है, वो भी हमारे संविधान का ही एक अहम पार्ट है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। खैर, हम आगे डिस्कस करेंगे केशवानंद भारती केस को भी, और भी काफ़ी सारे केसेस हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पे कवर हैं वो करने वाले हैं। एक सेकंड, अब ये तो हमने देख लिया प्रियम्बल, इसके बाद में खाली पेज लेते हैं, एक सेकंड रुको, खाली पेज कहाँ गया। देखो, एक फजल अली आयोग आया था, एक सेकंड, फजल अली आयोग। जो फजल अली आयोग था ना, ये इसलिए आया था कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे, ये आप ध्यान रखना है कि लैंग्वेज के बेसिस पे राज्य हैं उनका निर्माण है वो क्या जाएगा। तो आपको पता है कि भाषा के आधार पे या लैंग्वेज के आधार पे जो भारत में पहला राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश था वो देश का ऐसा पहला राज्य था जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग से जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। खैर, वीडियो आज काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो जो फंडामेंटल राइट हैं वो तो हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, आज हम उससे पहले के जो आर्टिकल हैं मोटे मोटे उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल एक से स्टार्ट कर लेते हैं, अनुच्छेद एक या फिर आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल एक क्या कहता है कि भारत है वो एक राज्यों की यूनियन है। भारत क्या है? राज्यों की एक यूनियन है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, भारत है ना, ये देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, भारत के अंदर क्या है, भारत यानी काफ़ी सारे राज्यों से मिलके भारत है वो बना है, बट यहाँ पे राज्य है ना इनको तोड़ा जा सकता है। स्टार्टिंग में आपको पता है 10 राज्य थे, 15 थे, 20 थे, पैसे करके आज है 29 स्टेट हैं। इनकी राज्यों को तो भारत में तोड़ा जा सकता है, बट जो भारत है इसको नहीं तोड़ा जा सकता। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि भारत है वो अखंड है, जबकि राज्य हैं वो खंड है। राज्य टूट सकते हैं जबकि भारत नहीं टूट सकता। जबकि यूएसए में क्या है, यूएसए में ना तो यूएसए टूट सकता, मतलब ना तो उनकी जो यूनियन है वो टूट सकती, और ना ही राज्य टूट सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो 50 के 50 राज्य हैं वो 50 ही रहेंगे, वहाँ पे 51 नहीं हो सकते, ना ही 49 हो सकते। वहाँ पे राज्य भी नहीं टूट सकते और वहाँ पे देश है वो भी नहीं, मतलब देश वो भी नहीं टूट सकता। जबकि इंडिया में क्या है, खैर भारत तो नहीं टूट सकता, बट जो राज्य हैं उनको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। जैसे कि आज 29 है तो हो सकता है कल 30 हो जाए, 31 हो जाए, मतलब राज्यों की सीमा के साथ इंटरफेरेंस हस्तक्षेप है वो किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि भारत में और यूएसए में बेसिक डिफरेंस क्या है। अनुच्छेद 2 या फिर आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2 ये कहता है कि संसद है ना वो राज्यों की स्थापना कर सकती है, या फिर संघ में नए राज्यों को दाखिला दे सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे याद रखते हो कि सिक्किम को जब इंडिया में मर्ज किया गया था ना, तो आर्टिकल 2 के तहत है वो किया गया था।
खैर वो अलग बात है कि बाद में वो मतलब इसको अनविलिटी दे दिया था कि भाई आर्टिकल 2 के तहत इसको शामिल नहीं करना था, बट उससे पहले शामिल कर लिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 2 कहता है कि संसद नए राज्यों की स्थापना या संघ में उनका दाखिला इंट्री है वो कर सकती है। फिर आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 ये कहता है कि संसद है ना, वो नए राज्यों के निर्माण में उसके पास कुछ पावर होंगी नए राज्यों को बनाने में, जैसे कि एक तो कोई भी राज्य की सीमा तोड़ सकती है, या फिर कोई राज्य की सीमा है उसको घटा सकती है तो बढ़ा भी सकती है, दो राज्यों को मिला के एक राज्य भी बना सकती है, राज्य का नाम है वो चेंज कर सकती है। तो ऐसी जो पावर है वो किसके पास होंगी? पार्लियामेंट के पास होंगी। ये यूपीएससी कई बार पूछ सकती है, जैसे कि लास्ट ईयर न्यूज़ था कि बांग्ला जो बंगाल था इसका नाम बांग्ला रखने की बात थी, तो उसको लेके काफ़ी इश्यू हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो राज्यों का नाम चेंज करना हो, उनकी सीमा इधर उधर करनी हो, ये सारे काम है वो उनकी पावर पार्लियामेंट के या संसद के पास है वो होती है। अब हम देखते हैं और आगे, और एक इम्पोर्टेंट बात ये, राज्य नए राज्य बनाने हो, पुराने राज्य के तोड़फोड़ करनी हो, ऐसे कुछ भी जो काम है ना उसके लिए साधारण मेजोरिटी, या हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल जो मेजोरिटी होती है ना, सिंपल मेजोरिटी, उसके द्वारा ही काम है वो डन कर दिया जाता है। और कोई ऐसी बात नहीं कि वो स्पेशल मतलब मेजोरिटी वगैरह ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे नहीं है। संविधान संशोधन की ज़रूरत है वो नहीं होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यूपीएससी पूछ सकती है कि अगर नए राज्य बनानी हो, या फिर जैसे कि बंगाल का नाम चेंज करना हो, तो इसके लिए क्या संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल नहीं है। अगर राज्यों के साथ किसी भी तरह की तोड़ाफोड़ी की जा रही है, नाम चेंज किया जा रहा है, नया बनाया जा रहा है, तो संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होती। साधारण विधेयक है या बोल सकते हो, उसके द्वारा इसको पारित कर लिया जाता है और फिर उसका नाम वगैरह चेंज है वो किया जाता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 3 के तहत कि भाई नए राज्य बन रहे हैं, सॉरी आर्टिकल 4 आ जाता है यहाँ पे, सॉरी आर्टिकल 4 में ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो नए राज्यों का निर्माण है संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होती। आर्टिकल 3 में तो ये था कि नए राज्य हैं वो बनाए जा सकते हैं, उनकी सीमा तोड़फोड़ वगैरह की जा सकती है, यानी कि जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 4 में यहाँ पे क्लियर मेंशन की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक प्रक्रिया भी बताई गई है कि नए राज्य का निर्माण किस तरीके से किया जा सकता है, ये बताई गई है आर्टिकल 3 में, अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि नए राज्य का निर्माण कैसे किया जा सकता है। जैसे देखो नए राज्य के निर्माण अगर करना हो तो एग्जाम्पल लेते हैं तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये मान लो कि यूपी और बिहार है, इन दो राज्यों से या तो तीसरा राज्य बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो क्या करेगी, यहाँ पे जो ये यूपी और बिहार की विधानसभा है ना इनके पास भेजेगी, मतलब इनके पास एक तरीके से लेटर भेजेगा राष्ट्रपति के थ्रू। खैर वो भेजा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या होगा, राष्ट्रपति है वो एक संदेश भेजते हैं यूपी और बिहार की विधानसभा के पास कि जी हम आपके राज्य को तोड़ फोड़ के नया बना रहे हैं, ऐसे वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका इसमें क्या विचार है? अब उसको टाइम दिया जाता है यूपी और बिहार दोनों को ही कि हाँ भाई साहब, जैसे आपको 20 दिन का टाइम दे दिया गया, या तो ये 20 दिन में रिप्लाई दे देंगे कि जी हनी बनाना बनाना है, जो भी हो इनकी मर्जी ठीक है, बट ये ध्यान रखना फाइनल पावर प्रेसिडेंट के पास ही होती है। जैसे कि मान लो कि यूपी ने तो कह दिया कि हाँ ठीक है बना दो नया राज्य, बिहार कह रहा है कि नहीं नहीं आप नहीं बना सकते, बट वो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे कि वो इनकी बात को माने या नहीं माने। कोई ज़रूरत नहीं है कि इन दोनों की बात से सहमत हो या नहीं हो, राष्ट्रपति ने अगर डिसाइड किया कि नहीं भाई साहब नए राज्य बनाना ही है, तो फिर वो आगे प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे और फिर पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा काम डन कर दिया जाएगा, मतलब इन राज्यों की कुछ भी नहीं चलेगी। ये मोटी मोटी हमने प्रोसीजर यहाँ पे देख ली। बस ये फैक्ट ध्यान रखना कि राज्य निर्माण की जो फाइनल पावर है वो पार्लियामेंट या हम बात करें किसके पास होती है, संसद के पास पावर है वो होती है। अब देखो इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, हमारे आर्टिकल आते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 5 या बोल सकते हैं आर्टिकल 5 से। उसमें देखो मेन बात की गई सिटीजनशिप, या फिर हम बात कर सकते हैं नागरिकता को लेके कि कौन भारत का नागरिक है वो होने वाला है, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन है वो अच्छे से की गई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भारत के जो संविधान निर्माता यानी कि जो प्रारूप समिति थी ना जिसने कि संविधान बनाया था, उन्होंने कोई ज़्यादा स्पेशल प्रावधान या प्रोविज़न नहीं किए थे पर सिटीजनशिप को लेके। उन्होंने ये काम क्या किया था, पार्लियामेंट पे छोड़ दिया था कि भाई जो पार्लियामेंट है वो करेगी ये काम, इसके बारे में कोई वैसे उन्होंने खास रेगुलेशन नहीं बनाई थी, कोई नियम वगैरह नहीं बनाए थे। बस ये आपको मैं एक पॉइंट है वो यहाँ पे बता देता हूँ, यूपीएससी में भी घुमा फिरा के आपको स्टेटमेंट है वो पूछ सकती है। और भारत के जो सभी देश नागरिक हैं उनको 26 जनवरी 1950 से ही भारत का नागरिक हो मेनली माना गया है। अब देखो जो आर्टिकल 5 है ना वो ये कहता है कि वो पर्सन जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर वो नॉर्मली पहले से ही भारत में रह रहा हो, मतलब उसके खानदान पुर को सब लोग पहले ही भारत में रह रहे थे, तो वो भारत का नागरिक है वो होगा।
फिर इसमें सिर्फ 5 में दूसरा पार्ट भी आता है, 5-2। इसमें फिर ऐसे कहा गया है 5-2 में कि जैसे कि जिनके माता पिता है उनमें से कोई भी एक भारतीय हो तो वो भी भारत का नागरिक होगा। फिर 5-3 में ऐसे किया गया है कि भाई जो भारत का संविधान लागू हुआ था उससे पहले 5 साल, जैसे कि भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ है, ये हाँ ये मान ऐसे एग्जाम्पल याद कर लो कि 1 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो इससे 5 साल पहले से जो भी रह रहा है, यानी कि 1950 से 1 साल पहले, 5 साल का मतलब क्या हो गया, वो पर्सन जो 1 जनवरी 1945 से इंडिया में रह रहा है वो भी भारत का नागरिक होगा। तो ऐसे तरीके के प्रावधान है वो 5-3 में कहे गए हैं। इसी के साथ ही आर्टिकल जो 6 और 7 है ना, इसमें ये बताया गया है कि भाई पाकिस्तान बन गया था इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से इंडिया में ही, उनके लिए प्रावधान किए गए हैं कि वो भारत के नागरिक होंगे तो उनके लिए कंडीशन वगैरह क्या है, उनको रजिस्टर कराना, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पंजीकरण वगैरह सारी यहाँ पे प्रोसीजर इसमें बताई है वो की गई है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे मोटा मोटा पॉइंट है वो बता दिया है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जो आर्टिकल 7 है ना इसमें कहा गया है कि वो पर्सन जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 7 में एक आ गया है कि वो पर्सन जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे और इसके बाद में वो उन्होंने क्या क्या परमिट प्राप्त किया इंडिया के में वापस आने के लिए और फिर वो इंडिया में आ गए, तो उनको जो सिटीजनशिप नागरिकता दी जाएगी वो आर्टिकल 7 के तहत है वो दी जाएगी। इस तरीके के प्रावधान देखो इसमें ये हैं वो गए हैं, तो इनको खैर आगे हम ब्रीफली भी डिस्कस हैं वो करने वाले हैं। और फिर हम बात करें आर्टिकल 8 की, तो आर्टिकल 8 में भी इसी तरीके के प्रावधान किए गए हैं कि वे लोग भी भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म है 26 जनवरी 1950 से पहले इंडिया में हो गया हो, या फिर उनके माता पिता विदेश में रहते थे बट उनका मतलब लिंक है इंडिया से टूटा नहीं हो, या फिर जैसे कि वो कहीं ना कहीं दूतावास में काम कर रहे होते हो, उनके पास पासपोर्ट है वैलिड, तो वो भी भारत के नागरिक हैं वो माने जाएंगे। और आर्टिकल 9 थोड़ा इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी है। आर्टिकल 9 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत की नागरिकता के साथ कोई दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर रहा है ना, तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर आर्टिकल आता है 10, आर्टिकल 10 या हम बात करें अनुच्छेद 10 है, वो ये कहता है कि नॉर्मल कंडीशन है उसमें किसी भी आम आदमी की ने जो भारत का नागरिक है पहले से ही उसकी नागरिकता को रद्द नहीं किया जाएगा, मतलब कि जैसे कुछ नॉर्मल लाइफ चल रही है सब कुछ ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किसी की भी लाइफ जो नागरिकता है उसको ख़त्म कर दिया जाए जो लोग पहले से इंडिया में रह रहे हों। और आर्टिकल जो आता है फिर 11, आर्टिकल 11 ये कहता है कि सिटीजनशिप या फिर हम बात करें नागरिकता, इस संबंध को में कोई भी प्रावधान बनाना हो या फिर कोई भी उपबंध क्रिएट करना हो तो इसकी फाइनल पावर किसके पास होगी, पार्लियामेंट के पास। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आर्टिकल 11 के तहत भारत में संविधान, सॉरी जो सिटीजनशिप संबंधित कोई भी काम है वो पार्लियामेंट के पास ही है वो होगा। और इसी चीज़ का यूज़ करते हुए जैसा मैं आपको बताऊं, कौन सा एग्जांपल बताऊं, हाँ जो ये है ना आर्टिकल 11, इसी के तहत गवर्नमेंट ने क्या किया था 1900, एक सेकंड रुक, खाली पेज देता हूँ, 1955 में एक नया इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि अभी भी आपको पता है कि भारत में एक विधेयक है वो पेंडिंग पड़ा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016 वाला, जिसमें ये कहा गया है कि हिंदू सिख हैं क्रिश्चियन हैं जो पारसी हैं ऐसे 5-6 धर्म हैं वो लोग अगर भारत के जो दुश्मन कंट्री हैं जैसे कि पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, बांग्लादेश, ऐसी जो कंट्री जहाँ पे रह रहे हैं इनको नागरिकता भारत में दे दी जाएगी, ऐसे कुछ उसमें प्रावधान किया गया है। खैर वो अभी तक एक्ट नहीं बना है बट हमें थोड़ा ध्यान है वो रखना है करंट अफेयर से रिलेटेड भी। तो 1955 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया था और उसमें ये कहा गया था कि भारत की नागरिकता अगर किसी दूसरे पर्सन को अडॉप्ट करनी है, मतलब कोई कोई दूसरे देश का नागरिक भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो उसके पास 5 तरह के ऑप्शंस हैं वो होंगे, मतलब 5 तरह से भारत की नागरिकता किसी के द्वारा ली जा सकती है। पहला जन्म के द्वारा कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो, दूसरा वंश के द्वारा जिसका वंश ही भारत में रह रहा हो, तीसरा पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कि भाई जिसने रजिस्ट्रेशन करवा के फिर इंडिया में नागरिकता ली हो वो हो गया, चौथा हो जाएगा देशीयकरण कि भारत ने किसी वो देश को किसी हिस्से को अडॉप्ट किया वो, और फिर आता है अधिग्रहण कि भारत किसी भू देश की भूमि को अधिग्रहित करता है तो उसमें अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उनको नागरिकता है वो दी जाएगी। जैसे हम बात करें जन्म से, यानी कि जो लोग भारत में रह रहे थे, या हम बात करें कि यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के अंदर जिन्होंने जन्म लिया और उसके बाद में जन्म लिया वो भारत के नागरिक होंगे। वंश का मतलब जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, दादा दादी कोई भी यहाँ पर रह रहे हो, यानी वो वंश से ही इंडिया में रह रहे हो तो नागरिकता मिल जाएगी।
पंजीकरण का फिर हम बात करें तो पंजीकरण का मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया हो, जैसे कि कोई ऐसा आदमी हो जो इंडिया के लिए काम कर रहा हो बाहर के देश में, दूतावास वगैरह में कहीं भी है, तो उसको भी नागरिकता पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के थ्रू दी जाएगी। फिर आता है देशीयकरण। देशीयकरण का देखो इसमें कई प्रावधान है, जैसे कि कोई इसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है देशीयकरण में, कि भाई कोई ऐसा आदमी हो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो भारत के लिए और भारत का नागरिक है वो हो सकता है, बस उसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे कि आपको बताऊं कि कोई आदमी ऐसा हो जो कि मानव सेवा के लिए काम कर रहा हो, शांति भाईचारे इसी के साथ ही, और मतलब कहीं ना कहीं भारत की या मर्यादा के लिए अच्छा काम कर रहा हो, तो उसको देशीकरण के थ्रू नागरिकता दी जा सकती है। इसी के साथ ही अगर कोई ऐसी कंट्री है जो भाई भारत के लोगों को भी नागरिकता दे रही है, तो भारत भी उन कंट्री के लोगों को नागरिकता दे सकता है। या फिर हम बात करें कि जो इंडिया की एनिमी कंट्री है उसका कोई सदस्य नहीं है, तो उसको भी नागरिकता देशीयकरण के थ्रू ही दी जाती है। इसी के साथ ही अगर कोई ऐसा पर्सन है जो भारत के संविधान, राष्ट्रगान, झंडे इत्यादि की सम्मान वचन, मतलब भाई इनकी मैं इनकी इज्जत है वो रखूँगा, इनकी वैल्यू बना के रखूँगा, उसको भी नागरिकता इस तरीके से मिल सकती है। या फिर जिसने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया हो और वो इंडिया में रहने लायक कैपेबल हो, तो उसको भी नागरिकता दी जा सकती है। तो ये हो गए देशीयकरण के मोटे मोटे टाइप। खैर अगर आपको कोई पॉइंट यहाँ पे समझ में नहीं आया तो फिर आगे हम अच्छे से डिस्कस वो करने वाले हैं, बस ये भी मैंने आपको एक मोटा मोटा इंट्रो यहाँ पे बताया है। अधिग्रहण वाला थोड़ा ध्यान रखना। देखो अधिग्रहण का सीधा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी कुछ साल पहले आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ डिस्प्यूट था कुछ बाउंड्री को लेके, तो वो सेटलमेंट है वो क्या गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ ऐसे एरिया, जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल से थोड़ा अच्छे से खैर देख लेते हैं शिशु को, जैसे ये मान लो कि ये होगी इंडिया की बाउंड्री और फिर कुछ छोटे छोटे ऐसे पॉइंट थे और ये इधर होगी आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, ये मान लो बांग्लादेश का है। अब क्या था कि भारत आज़ाद हुआ था ना, तो कुछ छोटे छोटे ऐसे गांव एक तरीके से बोल सकते हो, जैसे कि मान लो ये छोटा सा गांव हो गया और हो गया दो चार, जो फिजिकली तरीके से तो बांग्लादेश में है, मतलब उनकी रियल जो लोकेशन है वो तो बांग्लादेश के अंडर आती है, बट इंडिया का उनका बॉर्डर कहीं भी टच नहीं हो रहा है, ये थे तो एक्चुअली इंडिया के। अब देखो अगर इंडिया की ये गांव है ना, तो बांग्लादेश तो उनको कोई सर्विस है वो देगा नहीं, कोई भी फैसिलिटी नहीं देगा, तो ये क्या है मतलब ये लोग ढंग से जीवन यापन भी नहीं कर पाएंगे, इंडिया आ जा भी नहीं पा देंगे, एक तरीके से कैद से ही हो जाएंगे गाँव में, गाँव के अलावा कहीं जा ही नहीं सकते। और इसी तरीके से बांग्लादेश के भी कुछ गांव थे जो इंडिया के अंदर थे, उनको भी सर्विस नहीं मिल रही थी। तो ये क्या क्या हुआ था, इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने ही लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया था। इसमें ये प्रावधान किया गया कि भाई जो ये गांव है या टेरिटरी सॉरी जो टेरिटरी या गांव है जो कि एक्चुअली रियल तरीके से इंडिया के हिस्से में आ रही है, जैसे कि ये पाँच चार गांव आप देख रहे हो ना जो कि रियल तरीके से आ तो रहे हैं इंडिया में बट थे बांग्लादेश के, इन गांवों को क्या कर दिया जाएगा, ये तो इंडिया को दे दिए जाएंगे कि हाँ भैया तो आप इंडिया में ही हैं, इंडिया का ही एक हिस्सा है। और इसी तरीके से जो बांग्लादेश में है और इंडिया के गांव हैं इनको बांग्लादेश को दिया जाएगा, मतलब आपस में सेटलमेंट कर लिया गया कि आपके हिस्से में जो दिख रहे हैं उनको आप रखो, हमारे वाले हिस्से में है जो गांव है बाउंड्री है इनको हम रखेंगे और इनको सारी तरीके की सर्विसेज हैं वो दी जाएंगी ताकि इन लोगों को कोई दिक्कत है वो ना हो, ये किया गया था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। तो अब आप देखिए इंडिया ने ये हिस्सा क्या है अधिग्रहित किया है, जो क्योंकि वैसे तो था ये बांग्लादेश का बट इंडिया ने इसको अधिग्रहित कर लिया है। तो अब यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इन गाँव में चार पांच गाँव जो मैंने आपको यहाँ पे दिख रहे हैं देखो ये वाले, इन गाँव के लोगों को इंडिया की नागरिकता है वो दे दी जाएगी इसी आर्टिकल के तहत, ये हो गया अधिग्रहण वाला कॉन्सेप्ट, और जो यहाँ वाले लोग थे इनको बांग्लादेश है वो प्रोवाइड करवाएगा। तो इस तरीके का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, आई होप आपको अच्छे से समझ में है वो आ गया होगा। ये वैसे यूपीएससी ने एक बार मतलब इनडायरेक्ट इस पर पहले क्वेश्चन है वो भी पूछा था। अब देखो आपको एक चीज़ बताऊं, एक सेकंड, हाँ आपको पता होगा कि भारत में है ना केवल एक नागरिकता है, मतलब भारत है कि भारत के जो भी लोग हैं वो एक ही कंट्री की नागरिकता रख सकते हैं, अगर वो दूसरे कंट्री की नागरिकता लेंगे तो आप कौन सा आर्टिकल था, जल्दी सोचिए आप, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन से आर्टिकल के तहत अगर कोई आदमी दूसरे देश की नागरिकता ले रहा है तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। देखो आर्टिकल 9 था वो, आर्टिकल 9 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि भारत का नागरिक अगर विदेश की नागरिकता ग्रहण करता है तो ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता गायब हो जाएगी, बट इसमें कुछ अपवाद भी हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन भी हैं जिस ऑप्शन कंडीशन में आप भारत की नागरिकता के साथ दूसरी देश की नागरिकता भी ले सकते हो, वो क्या है वो भी मैं एक बार थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके लिए खैर वैसे पार्लियामेंट ने संशोधन भी किया था, जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 आया था और इसके बाद में एक 2010 है वो लाया गया था, बट ये ध्यान रखना कि भारत में वैसे अभी भी एकल नागरिकता वाला ही कॉन्सेप्ट है, डबल नागरिकता भारत में नहीं जाती है, डबल नागरिकता है वो यूएस में है। यूएस में क्या सीन है, एक तो नागरिकता देश यूएसए की खुद ही होती है और एक नागरिकता होती है वहाँ पे
उस राज्य की जिस राज्य में वहाँ पे रह रहे हो। यूएस में से 50 राज्य हैं, तो एक तो राज्य की नागरिकता होगी और दूसरी यूएसए की नागरिकता, इस तरीके से। जबकि भारत में राज्य वाज्य का कोई सीन है ही नहीं, सारी नागरिकता सिर्फ सेंटर के पास है। तो ऐसे आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। अब से कुछ लोग ऐसे हैं, कोई भी मान लो कि बिजनेसमैन है, उसको बाहर बिजनेस करना हो दूसरी कंट्री में, तो उनके लिए कुछ थोड़े रूल रेगुलेशन हैं, सहूलियत कर दी गई है कि भाई वो लोग इंडिया के नागरिक भी रह सकते हैं और जो बाहर किसी कंट्री है उसमें भी नागरिकता उनको दे दी जाएगी। तो वो दोहरी नागरिकता अलाउ की गई है, बट वो आपको ध्यान रखना है कंडीशन तक ही अलाउ है, वो कर दी गई है। और अगर ऐसे जो लोग हैं ना, उनको इंडिया में भी राइट मिलेंगे और बाहर भी राइट मिलेंगे, बट इंडिया में अगर उनको कुछ जैसे कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना हो, ऐसी कंडीशन में उनको भारत की नागरिकता ही रखनी पड़ेगी, दूसरे देश की नागरिकता को ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि इंडिया में दोहरी नागरिकता नहीं है, बस एक अपवाद स्वरूप है वो दी गई है। जैसे मैं आपको बताऊं, अमर्त्य सेन का नाम आपने सुना होगा, तो इनको भारी नागरिकता भी दी गई है और इंडिया की नागरिकता भी इनके पास है। इसके साथ ही रघुराम राजन है, इनको सत्य नाडेल हो गए, सुंदर पिचई हो गई, जो सुनीता विलियम्स थी, इन सबको भारत की नागरिकता के साथ साथ विदेशी नागरिकता रखने का अधिकार भी दिया गया है। बट ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अगर इन लोग ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो इनको विदेशी नागरिकता छोड़नी है, वो पड़ती है। बाकी इनको वोटिंग राइट्स वगैरह हैं वो भी इंडिया में प्रोवाइड हैं, वो करवाए गए हैं। ये भारत में तरह तरह के अकाउंट्स वगैरह खुलवा सकते हैं, बट इन पे भी कुछ लिमिट होती हैं। ऐसा नहीं कि सारी छूट होती है इनको, चाहे जो करें, मतलब इनको छूट दी जाती है कुछ, ताकि बिजनेस वगैरह अपना जो काम दाम हो वो अच्छे से कर सकें। तो ये हमने कंप्लीट चीज़ें थी वो यहाँ पर मोटी मोटी कवर कर ली हैं। कल के आर्टिकल में हम संविधान का जो भाग 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि फंडामेंटल राइटिंग की शुरुआत होती है, फंडामेंटल राइट्स, उनको हम कवर हैं वो करेंगे। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।